और पापा प्लीज एक्सप्लेन आपके शर्ट को क्या हुआ। एज कुकिंग फूड। तो ये आलस हो गई आपकी। गाइस मार्केट तो काफी खुला खुला लग रहा है एंड वी आर पार्ट ऑफ द क्राउड। ठीक है मैं ऐसा नहीं बोल रही, वी आर नॉट। और कौन चाय बनाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नीलम शो। सी यू नेक्स्ट टाइम। एंड मेरे टेलर भाई साहब ने कुछ गड़बड़ कर दी है। दिस इज हाउ ऑनलाइन शॉपिंग इज डन। यू ट्राई लाइक 5 डिफरेंट शूज एंड देन वन फिट्स यू। Hey everyone, it's your girl Shalini. Welcome back to my channel. I really hope you all are doing well and welcome to another vlog. आप लोग को मेरा wedding shopping vlog वाला video काफी पसंद आ रहा है, so मैंने सोचा कि ठीक है उसको continue करते हैं। And आज plan ये है कि मुझे थोड़ी बहुत fitting करानी है कपड़ों की, तो मैं जा रही हूँ market and I have 3 days before I leave for the wedding. So बहुत सारा काम है उस बीच में। I need to film one video for the channel. So वो भी film करना है, उसे edit करना है, upload करना है। मिंत्रा से मंगाया था और 3 का सेट आया था, ये ऐसे करके, ये 3 और ये 3। ठीक है, वैसे तो बहुत खूबसूरत है ये सारे मास्क, एथनिक वाले मास्क, और क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है इनकी। बट द थिंग इज दैट कि मेरे फेस के लिए छोटे पड़ रहे हैं। आई मीन फिट तो हो रहा है, मैं एक ट्राई करके दिखाऊंगी आपको एक गोल्डन वाला। ओके, आई माइट कैरी दिस अगर मुझे यहाँ भोपाल में मास्क नहीं मिला, बट मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है आई मीन फिट होने के बाद। दीज साइजेस आर लाइक परफेक्ट फॉर माई सिस्टर्स फेस, यू नो, एंड शी रियली लाइक्स दिस, सो उन्होंने ये वाला ले लिया है। सो दिस इज हाउ द मास्क लुक्स ऑन मी। ठीक है, कवर्ड तो हो रहा है सब कुछ, बट द थिंग इज दैट यहाँ पे स्पेस नहीं बचा है और ऐसा लग रहा है कि वो मेरे लिप्स पे बहुत ज़्यादा ऐसे चिपक रहा है मास्क, एंड आई डोंट लाइक दैट फीलिंग एट ऑल। और यहाँ पे भी चिन अच्छे से कवर नहीं हो रहा, सो मुझे ऐसे मास्क अच्छे लगते हैं जो चिन को अच्छे से कवर करते हैं। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ लियो, क्या हुआ इसको दीदी? देख, कम टू मीमी, कम टू मीमी, कम ऑन बेबी बू, अली मेरे बच्चू, चाहिए थोड़ा प्यार, थोड़ा प्यार चाहिए, है ना? Say hi to my camera, पापा। Hi मिमी। नहीं, मेरे सब्सक्राइबर्स को हाय बोलो पापा। Hi all the subscribers। और पापा प्लीज एक्सप्लेन आपके शर्ट को क्या हुआ। I was cooking food। तो ये आलस हो गई आपकी। डू यू वॉच माई कॉन्टेंट? यस। अच्छा, टेल मी द टाइटल ऑफ द लास्ट कंटेंट आई पोस्ट। पापा भी बहुत से वीडियोस देखेंगे अभी। पापा का बहुत से वीडियो टाइम, बहुत से वीडियोस देखने का टाइम है आपके पास। हाँ पापा, बैठ के डाउनलोड कर करके वो। यस। ओके, चलो खाने का। ओके, ओके, आई एम रेडी टू हेड आउट नाउ। ये जो इयर रिंग्स है ना, ये aurus.in से ही है, जो इंस्टाग्राम स्टोरी जो मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था। बहुत ही लाइट वेट और खूबसूरत है ये। ठीक है, और ये कुर्ता भी मैंने गोवा से मंगाया था। धीरे धीरे करके गोवा के सारे कुर्ता और जो भी आइटम्स मैंने मंगाया था ना, सब आपको वीडियोज में दिखाती जा रही हूँ। आई नीड टू वेयर माई मास्क नाउ। बहुत ह्यूमिडिटी यार, ओह, बारिश होने वाली है। चलो दीदी, कैमरा दीदी, फाइनली तुम ब्लॉग में दिख गई। लोग पूछते रहते दीदी क्यों नहीं दिख रही है। कोई नहीं पूछता, चल सब पूछते हैं, ठीक है ना। सॉरी अबाउट द हॉन्किंग। ठीक है, सो ये वाला जो है उसे फिटिंग के लिए लेके जाना है। ठीक है, ये ऑलरेडी स्टिच्ड है एंड आई हैड दिस क्लोथ विथ मी, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऐसा कुछ स्टिच कराऊंगी इसे। ये सूट ना मुझे नायका फैशन में दिखा था एंड आई डोंट नो कि लास्ट मिनट में ये कोई स्टिच करके देगा कि नहीं मुझे, बट ठीक है, ट्राई करके देखते हैं क्या जा रहा है। तो अभी हम लोग आए हैं 10 नंबर मार्केट भोपाल में, घर के पास से मेरे, फिटिंग के लिए। ठीक है, जो रेडीमेड सूट था ना रेड वाला, वो थोड़ा ढीला था, उसकी फिटिंग के लिए मुझे देना है। सो नाउ आई एम गोइंग अंडरग्राउंड। तो मैंने अपना जो कुर्ता है ना वो सिलवाने के लिए दे दिया है, और जिसकी फिटिंग करानी थी वो भी फिटिंग के लिए मैंने दे दिया है। वो देंगे हमें 30 तारीख को। बहुत ह्यूमिडिटी आज, तो पसीना पसीना हो गई हूँ मैं पूरा। अभी मैं जा रही हूँ गहना करके एक शॉप है यहाँ पे 10 नंबर में, बहुत अच्छे खूबसूरत इयर रिंग्स मिलते हैं वो देखने के लिए। दीदी फॉलोइंग है ना, दीदी सैनिटाइजर को
That's the store I was talking about. This mirror looks so pretty. Yeah, it looks very pretty, Didi. हाँ ठीक है, तू एक ले लेना, मैं एक ले लेती हूँ. मैं ये वाला ले लेती हूँ. ठीक है. ये वाला ले लेना. Didi is buying mask, ethnic mask. हाँ ये तो बनती है. We are at different store, guys. Now, I really like this one. Will you like this ऐसे pattern? ऐसा वाला pattern. Not really, but I think this is gonna go well. पता है अच्छे से cover करेगा ये face को. गाइस मार्केट तो काफी खुला खुला लग रहा है. अरे कल पड़ोसी में मिला था. पीपल आर शॉपिंग एक्चुअली एंड वी आर पार्ट ऑफ द क्राउड. ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रही, वी आर नॉट. देखो टाइट लग रही है, टाइट लग रहा है. हां ये 20 फोन देख और आज के शॉपिंग का कोटा पूरा हो गया. यहीं पे एक बास्किन रॉबिन्स है, वहाँ पे हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं. व्हाट आर यू हैविंग विदी? एंड आई एम हैविंग चॉकलेट एंड कॉफी. क्या नाम था भैया इनका? मेल्टेड चॉकलेट फज. मेल्टेड चॉकलेट फज. फिर से बोल दीजिए अच्छे से. मेल्टेड चॉकलेट फज. मैं ये 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 नहीं देखा था. आई एम ऑन पीरियड. ओके आई कैन हैव दिस. गाइस बारिश हो रही है अब तो. And this ice cream is really good. Baskin Robbins इतना महंगा क्यों है? I just have this question. वो इतना अच्छा taste करता है ना सही में? It tastes like little drops of heaven. Monica reference. Hashtag friends. So good. Hi Leo. Deja vu हो रहा है मुझे Leo. Deja vu हो रहा है. क्या कर रहे हैं बच्चू? Hi. Say hi to my vlog, Papa. कितने बार हाय करूं? जब तक है जान पापा. पापा अपने शर्ट को धो के सुखा भी दिया. धो के सुखा के पहन लिया पापा ने तो. हाँ ये तुम्हारी पॉटी नहीं हो पाई आज, बारिश हो रही. देखो कैसे जाओगे तुम? नहीं जा सकते तो आप अंदर करना तुम. ठीक है. I forgot to sanitize my shoes, y'all. Say hi to my vlog. Hi. क्या बना रही हो? ये मेरी छोटे छोटे बच्चों के लिए चिल्ला बना रही हूँ. छोटे बच्चे तो क्योंकि इसमें सब्जी डाल के बनाना पड़ता है तो खाते हैं. सब्जी अलग से खाते ही नहीं. देखो इसमें सब डाल के बना तो है. ये बहुत अच्छा टेस्ट करता है. थैंक्स मॉम फॉर द चिल्ला. हाँ क्या कर रही हो? लियो अभी कपड़े पहने नहीं गए. दीदी मत करो उसके साथ. Hey guys, मैं रूम पे आ चुकी हूँ. मैं अपने डिसइंफेक्टेंट लेके इन सारे बैग्स को सैनिटाइज कर देती हूँ. ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू डू दैट. उसके बाद आई एम गोना चेंज माई क्लोथ एंड सैनिटाइज माई जीन्स. एक्चुअली धोऊंगी नहीं जीन्स, बारिश में जीन्स सूखते नहीं है. सैनिटाइज करूंगी. गाइज लुक वट आई बॉट टूडे, दिस ब्यूटिफुल नोज रिंग. और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू नो 150 रुपीज़ का कुछ मुझे पड़ा और सालों साल चल जाता है, बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है. ये AGS का है ये. अपार्ट फ्रॉम दिस आई ऑल्सो गॉट दिस रिंग टूडे, सम क्लचर्स, ये वाले क्लिप ऑन्स जो आप बालों में लगा सकते हो. और इसमें ना दो चीज़ें दी गई हैं पीछे, द क्लिप ऑन्स एंड दिस पिन, ताकि आप इसे कोट वगैरह में या फिर जो नेहरू जैकेट्स होते हैं उसे भी लगा सकते हो. काफ़ी सुंदर है ये. ओके सम क्लिप्स आई वॉज इन नीड फॉर देम. और ये वाले हेयर टाई काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं. एंड वी बॉट लॉट ऑफ मास्क टुडे एक्चुअली. सो मेरी दीदी ना डेली वहाँ जाती है, हॉस्पिटल जाती है, तो उसे मास्क बदलना पड़ता है. सो शी वॉज इन नीड फॉर मास्क एंड आई नीडेड मास्क फॉर ethnic wears that I'm going to be wearing for the wedding. And that was the haul for you. मैं nose ring पहन के दिखाऊं क्या आपको? कैसा लग रहा है? It looks good. You know? मैं आपको कल मिलती हूँ. The next day. आज मैंने एक वीडियो फिल्म किया है फॉर द चैनल, द मेन कॉन्टेंट अपार्ट फ्रॉम द ब्लॉग्स दैट आई एम पोस्टिंग ऑन द चैनल. ठीक है, और एडिट भी करना स्टार्ट कर दिया है. पीछे एडिटिंग हो रही है लैपटॉप में. और अभी मेरी फ्रेंड रिया थॉमस आने वाली है. रिया थॉमस पूरा नाम ले लिया. रिया आने वाली है. एक दो बार मेरी वीडियोस में आई है वो. एंड शी इज़ कमिंग टू गिव मी चार्जर ऑफ कैनन G7X Mark II जिससे मैं ये व्लॉग फिल्म कर रही हूँ. सो चार्जर और एक्स्ट्रा बैटरीज चाहिए थी मुझे, और ऐसे ऑनलाइन मिल नहीं रहा था. और भोपाल में मुझे शॉप्स पता नहीं कि कहाँ पे मिलेगा, यू नो. सो मुझे इमरजेंसी में चाहिए था. एंड शी हैज़ द सेम एग्जैक्ट कैमरा, तो मैंने उसे बोला कि मुझे दे दे दो दिन के लिए. सो वो मुझे देने आ रही है. एंड शी Gonna be here. So I bought this bag for her from Ajio about
आई थिंक 6 months अगो तब मैं उसे दे नहीं पाई थी, फिर लॉकडाउन 2.0 लग गया, फिर नहीं दे पाई. सो नाउ आई एम गोना पैक दिस फॉर हर. लुक एट दिस, दिस बैग सो सेक्सी एंड प्रिटी. आई होप शी लाइक्स इट एंड आई डोंट हैव रैपिंग पेपर टू लाइक रैप इट. सो आई हैव दिस पेपर विथ मी, सो मैं इसमें पैक करने का सोचा है अभी. एंड लुक व्हाट माय सिस्टर इज डूइंग. सो आई थॉट कि मैं इसमें पैक करके दूंगी ये इस कागज में, एकदम क्या कहते हैं 70s-60s वाली फीलिंग आएगी. एंड सिस्टर इज लाइक नो, वी लिव इन कलरफुल वर्ल्ड. दीदी ये जो आप कर रही हैं, दीदी ये जो आप कर रही है ना, हाँ बोलो ना आगे तो बोलो. इट्स टू कलरफुल दीदी. नो आई लाइक कलरफुल. हालत ऑफ द रूम खराब हालत में है. दिस इज व्हाट माय सिस्टर इज डूइंग. दीदी आई थिंक दिस इज अ बैड आइडिया. आई थिंक वी शुड स्टिक टू दिस. दिस इज अ सेफ आइडिया. भगवान और बिगाड़ दिया यार. गाइस दिस इज द मोस्ट अग्ली पैकेजिंग आई हैव सीन. ओके द गिफ्ट इज रेडी. इट डजंट लुक प्रीटी दो बट स्टिल आई एडेड अ बो टू मेक इट लुक प्रीटी. सो गिफ्ट इज पैक्ड एंड लुक एट दिस कॉर्नर ऑफ माई रूम. बहुत ही खराब हालत है इस कॉर्नर की. ये सारे वेडिंग वाले पार्सल्स हैं, ठीक है. वेडिंग शॉपिंग जो मैंने की है ना, उन सब के ऐसे पार्सल, कुछ रिटर्न कुछ एक्सचेंज. एंड इस डब्बे में भी सब वही सामान है. दिस इयरिंग इज सो प्रीटी. लुक एट इट, सो प्रीटी. एंड दिस क्लचर यू ऑल, इट्स सो प्रीटी राइट. आई गॉट दिस फ्रॉम अमेजोन. हाय मिया. तू कहाँ थी पूछ रहा है वो? मैं पेरिस गई थी एक्चुअली. पेरिस में थी वो, ठीक है. लियो हट जाओ, लियो पीछे. 2000 years later. तू कैमरा ऑफ करने के बाद वापस तो नहीं लेके ना. मैं ऐसी हरकतें नहीं करती. यू डोंट हैव टू ओपन इट यहाँ पे, तुम घर पे भी खोल सकते हो, व्हाटएवर यू प्रेफर. और यू कैन गो क्रे क्रे. चल चल. वेलकम ब्रो, गिव मी कंटेंट. यार व्हाट डू आई से, आगे कौन चाहे कौन बनाएगा. हम रॉक पेपर सीजर करेंगे और वो जो जो जीतेगा वो चाय बनाएगा. जो हारेगा वो बनाएगा, जो हारेगा वो बनाएगा. रॉक पेपर सीजर. दीदी तुमने लेट किया रॉक पेपर सीजर. रॉक पेपर सीजर. ये म्यूजिक क्या था? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नीलम शो. The next day. नहा धो के रेडी होके नो मेकअप मेकअप लुक करके बैठी हूँ. आधे घंटे से कैब बुक करूंगी और मैं जा रही हूँ बाहर. सबसे पहले मैं जाऊंगी इकाकी स्टोर जहाँ से मैंने एक कुर्ता लिया है, डिजाइनर कुर्ता. और उसकी फिटिंग की प्रॉब्लम थी तो वो उठाना है मुझे. बाय द वे आप लोग को लग रहा होगा क्या इकाकी स्टोर की क्या बात कर रही हो. सो जिन लोगों ने मेरा वेडिंग ब्लॉग शॉपिंग वीडियो पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज़ क्लिक दी एविडेंट को वॉच इट. आपको समझ में आ जाएगा कौन सी स्टोर की बात कर रही हूँ. उसके बाद मैं जाऊँगी 10 नंबर मार्केट. वहाँ पे मैंने दिया था कुर्ता जो फिटिंग और स्टिचिंग के लिए ना, वो उठाऊँगी मैं, ठीक है. एंड मेरा टीजोन एरिया ऑयली हो गया, इससे मुझे हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा फेस ऐसे ही ऑयली रहता है. हाँ भैया कैब बुक करी मैंने, आज जो लोकेशन है ना वहीं से पिक करना है. कितना टाइम लगेगा आपको? 7-8 मिनट लगेगा. ठीक है भैया. ये मैंने रिकॉर्ड कर लिया दीदी. गाइस मीट पल्लवी दीदी स्ट्रेट फ्रॉम एडिनबरा. यस पल्लवी दी एडिनबरा में जॉब करती हैं और वो स्ट्रेट फ्रॉम एडिनबरा मेरे लिए ये ड्रेस खरीद रही इंडिया में. थैंक यू दी.
ओके देयर इज दिस ऑप्शन. ये जो मैंने व्हाइट वाला ट्राई किया था ना, ये इसका येलो वाला है. व्हाट डू गाइस थिंक, दिस और दैट ड्रेस? इंडियन वाइब और वेस्टर्न वाइब? आई थिंक इंडियन वाइब है ना. मुझे कैब नहीं मिल रही है, मैं घर कैसे जाऊंगी? और अभी तो पैकिंग बची है मेरी. कम ऑन ओला, प्लीज प्लीज ओला रहम करो. मिल गई कैब, मिल गई. 9 मिनट लेटर दैट सेम इवनिंग. यार खोलो ना भैया. Hey guys, I'm back home. मैंने सारा सामान सैनिटाइज कर लिया, अपने आप को भी कर लिया है. और अभी थोड़ा बहुत रेसिड्यू दिख रहा होगा, काजल का अच्छे से निकला नहीं है. एंड आई एम वेयरिंग दैट कुर्ता जो मैंने स्टिचिंग के लिए दिया था. इट कॉस्टेड मी 550 रुपीज. और ये वाला कपड़ा मुझे मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, एंड मेरे टेलर भाई साहब ने कुछ गड़बड़ कर दी है. वैसे तो आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे 2 दिन में दे दिया, बट गड़बड़ कर दी इसने. सो दिस इज हाउ द कुर्ता लुक्स ऑन मी. दिस कलर एंड दिस प्रिंट, द क्लोथ इज सो ब्यूटिफुल. ओके बट द गड़बड़ इज फर्स्ट थिंग स्लीव्स. स्लीव्स में उन्होंने अस्तनी डाले तो ये गोल्डन प्रिंट मुझे चुभ रहा है. ओके और नीचे से ये जो स्लिट ऐड किया है वो बहुत ही चौड़ा ऐड कर दिया है. ओके सो देयर इज अ लॉट ऑफ क्लोथ एंड कपड़ा, इट डजंट लुक फ्लैटरिंग एट ऑल. एंड कुछ गड़बड़ गड़बड़ सी लग रही है इसको पहनने के बाद. सो दिस वॉज सपोज टू बी माई फेयर आउटफिट. And I do have a backup though. And need my backup. ये जो कुर्ता सेट आज मैंने लिया इकाकी से, जो पल्लवी दी ने मुझे गिफ्ट किया है, this is my backup. Okay, now I'm wearing another kurta set that I got from Amazon. This is again a yellow kurta set by the brand W. मुझे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिला था ये, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है इसका, एकदम रिच कपड़ा है ये. But I really don't like the way it looks on me, especially the kurta. I feel like kurta is really like covering everything and I want little bit of space in here gale mein. Even though I knew ki aise hi look aane wala hai iska, fir bhi maine socha ki theek hai manga lete, let's see how it will look on me. So this is how the kurta looks on me distance se. It has this beautiful work gale mein, pink dupatta diya gaya hai isme, chandri dupatta, aur niche diya gaya sharara set. It looks, honestly it looks very good though, but not my style. And what is wrong with my hair? So these are all the shoes that I ordered. Okay, so we have 1, 2, 3, 4, 5 shoes to try. Actually there were 6. Ek already main rakh chuki hu, pack kar chuki hu, yahan bag mein hai wo. Okay, so these are shoes number 1. These are from Bata. The size is really good for this one, you know. एंड एकदम हाइट भी सही है हील की, पर पता है क्या, मेरे पैर यहाँ से बाहर निकल रहे हैं. दैट्स द थिंग दैट आई डोंट लाइक. आई एम गोना रिटर्न इट बिकॉज आई फील अनकम्फर्टेबल यहाँ से. नेक्स्ट अप वी हैव द स्ट्रैपी हील्स. सो मेनी कार्टन लंडन शूज, क्योंकि उनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है. दे लुक सो स्मार्ट एंड स्टाइलिश, डोंट यू थिंक? और यहाँ से भी अच्छे से कवर कर रहा है ये, साइज भी एकदम सही है इसका, हील भी एकदम एप्ट है. I think I'm gonna keep it. This next shoes are from Carton London. इसी का मैंने गोल्डन वाला ट्राई किया था मेरे प्रीवियस व्लॉग में, और मैंने इसका ब्लैक और रेड दोनों ऑर्डर कर दिया. ब्लैक तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया. How the red one looks like, exactly जैसे गोल्डन वाला ट्राई किया था ना मैंने प्रीवियस व्लॉग में, वैसी फिटिंग है इसकी. आई डोंट नो वाई आई ऑर्डर दैट सेम साइज, बट इसका मैंने ब्लैक वाला ना एक साइज छोटा ऑर्डर किया था, एंड आई रियली लाइक द फिट ऑफ दैट. सो या साइजिंग इज द इशू, नॉट द कलर दो. सो दैट्स आई एम रिटर्निंग इट. Okay, next up we have this silver strappy heels. This is by Mode by Red Tape. इसका मैंने golden वाला try किया था previous vlog में. I don't like the fitting of this. It's tight. और golden वाला was loose on me. I went for one size down for this silver one. And obviously it's tight from here. You all can see that I feel so uncomfortable this heels में. Not gonna keep it, guys. Not gonna keep it. We have these shoes by Metro. They are so good looking. Look at them. So pretty. I like the fit of it. I like the height of it. I like everything about it. Now I'm confused between these shoes and the golden one by Carton London. देखती हूँ मैं कौन सा रखूँगी. मैं दोनों तो नहीं रखूँगी, बट या दिस इज हाउ ऑनलाइन शॉपिंग इज डन. यू ट्राई लाइक 5 डिफरेंट शूज एंड देन वन फिट्स यू. ओके पैकिंग इज डन, आई एम ऑफिशियली पैक्ड नाउ. अब इसे बंद करना है. एंड इट्स 1:40 इन द नाइट यू ऑल. आई एम वे पास्ट माई स्लीप स्केड्यूल.
पैकिंग करते करते रात हो गई एंड आई हैव अ ड्रीम.